स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखंड पुलिस के 6 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। उन 6 अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें नैनीताल के पुलिस अधीक्षक गिरिजा शंकर पांडे, पुलिस दूरसंचार को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। ये पदक किसी भी पुलिस अधिकारी को राष्ट्र के लिए उसकी सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। वहीं सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित होने वालों में SDRF उत्तराखंड के कमल सिंह पवार, पुलिस उपाधीक्षक उत्तराखंड हाई कोर्ट सुरक्षा नैनीताल के विजय थापा, पुलिस उपाधीक्षक टिहरी गढ़वाल के विजेंद्र दत्त ढोवाल, अपर पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर के शुक्रलाल, दल नायक 31वीं वाहिनी PSC हल्द्वानी के पूरन चंद्र पंत, उप निरीक्षक विशेष श्रेणी नागरिक पुलिस सतर्कता सेक्टर शामिल हैं। वहीं CBI के पुलिस उपाधीक्षक तेज प्रकाश देवरानी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। दूसरी तरफ राजधानी देहरादून से खबर आ रही है, जहां प्रेम नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिधौली में हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में साथ ही लोगों के भारी विरोध के देखते हुए SSP दलीप सिंह कुंवर ने तुरंत चौकी प्रभारी जगमोहन राणा समेत उनके पूरे स्टाफ को हटा दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत में किसी भी इलाके में अशांति फैलाने वाले और कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।